बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 10 सितंबर 2023 को जो ईटा का टेस्ट हुआ है एमडी गेट का, इसके हवाले से चंद बातें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी पता नहीं रूमर्स हैं या हकीकत हैं कि बहुत स्टूडेंट्स ने ये चीटिंग के ज़रिए ये पेपर्स किए हैं ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए। तो बहैसियत एक कंप्यूटर साइंटिस्ट इसमें मैं चंद चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आइडेंटिफाई करना कि ये चीटिंग पे कितने पेपर्स हुए हैं। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ईटा के जो आंसर शीट्स हैं वो एक डेटाबेस में ईटा के पास मौजूद हैं। तो उसमें दो काम अगर हम करें तो हम इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीटिंग हुई है मास स्केल पे या नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये जो आंसर शीट के पैटर्न्स हैं उनमें सिमिलर पैटर्न्स अगर हमारे पास हज़ारों की तादाद में आ जाएं जिनके मार्क्स 180 या इससे ज़्यादा हैं, तो इससे हमें पता चल सकता है कि अगर सिमिलर पैटर्न्स के हमारे पास आंसर शीट्स हैं तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेपर जो हैं ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू हुए हैं क्योंकि सिमिलर आंसर्स हैं हज़ारों की तादाद में। और दूसरी बात ये कि जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 180 से ज़्यादा आए हैं तो चूंकि डेटाबेस हमारे पास मौजूद है इनका, तो उनके हम मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स भी निकालें और पर हम उनके साथ कंपेयर करें दोनों को। और अगर एफएससी और मार्क्स एट पार नहीं है विद द मार्क्स ऑफ द ईटा टेस्ट, तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि ये चीज़ें इसमें चीटिंग हुई है। तो ये मैं ईटा की मैनेजमेंट उनके पास ऑलरेडी जिस तरह उन्होंने ये टेस्ट अरेंज किया है और जिस तरह चेकिंग उन्होंने की है, तो मुझे उम्मीद है उनके पास एक बहुत अच्छी टीम मौजूद है आईटी की। इस वजह से ये काम उन्होंने बड़े स्मूथ तरीके से किया है, तो वो ये भी आइडेंटिफाई करने में उनको कोई दुश्वारी नहीं होगी। और विद इन फ्यू आवर्स 1-2 घंटे में इसका कोड जो है अगर एक अच्छा डिवेलपर हो तो वो बना लेगा और 1 घंटे में ये आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो इस चीज़ पे चंद घंटे लगेंगे। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती है लेकिन ये सरसरी तौर पर दो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसको हम करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मास स्केल पे ये इसमें चीटिंग हुई है या नहीं। तो ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि ये ईटा की मैनेजमेंट को ये मैं बताऊँ कि इस पे वो इस इन लाइंस पे काम करें और उसको आइडेंटिफाई करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो अपनी आईटी टीम है वो भी इससे मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी जानती होगी, लेकिन बहैसियत ही कंप्यूटर साइंटिस्ट मैंने ज़रूरी समझा कि मैं भी अपने व्यूज़ जो हैं शेयर करूं। शुक्रिया, अस्सलाम।